Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. How are you all? Hopefully all are well, inshallah. Today, we're going to make a mini daf for ourselves. As you know, we recently got a kitchen done. We made something sweet the other day. So we decided that a mini daf was for the five of us. We're not making much. We're just making some kebabs, some chicken, some mashed potato for Khadija. And that's really some salad, inshallah. You know, some stuff like that, and hopefully you will like it. Before we start, just want to let you know, make sure that you like, share, and subscribe. So hopefully you will like our today's video, and speak to you soon, inshallah. First thing, inshallah, that we are going to make are four chicken legs and some potatoes. And the lovely miss is going to show you which spices she's going to put in the mix for the marinade. Half teaspoon red chili powder, 1 tablespoon. Coriander powder, 1 teaspoon, garam masala, 1 or 1/2 teaspoon, salt, 2 tablespoon, tandoori masala, or crushed garlic. Ye sara isme jayega. Bismillahirrahmanirrahim. Ye 4 legs hain. Aur isme sa jayega lemon juice. Aur saath isme chale jayenge. इसको करूंगी मैं मिक्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कितना आपको नमक चाहिए. मुझे जितना चाहिए था मैंने डाल लिया ज्यादा नमक. उस्मान की वजह से नहीं डालती मैं. और इसमें कोई पानी वगैरह जाने की जरूरत नहीं है. ये देखें, ये मिक्स हो गया. अब इसको बनाने के लिए यूज करूंगी मैं स्लो कुकर. और ये इसको रखूंगी यहाँ पर जी. ये मिक्स हो चुका है. ये देखें मसाला सारा लग चुका है. और ये इसमें रखना शुरू करूंगी मैं ऐसे. ऑलरेडी गर्म हो चुका है. और ये सारे जाएंगे आलू इसमें. अच्छा, ये जो चिकन के साथ जो आलू बनते हैं बहुत ही मज़े के बनते हैं. ये देखिए मसाला गिर गया यहाँ पे. The chicken and the potatoes are in the slow cooker, and it's going to take about 2.5 to 3 hours to cook on the high heat. So we can, in the meantime, make other things, inshallah. As you can see, it looks exact time जो लगेगा end में आपको इंशाल्लाह बताएंगे कितना time लगा है, क्योंकि हम ये first time ही use कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बताएंगे पे आके इसके ऊपर हमारा कितना time As you can see, I'm making milk chocolate. Yeah, she wanted to sit on the worktop. She wants to wait with mommy and daddy in the kitchen while we're cooking. She's in one corner for safety. Obviously, we're putting us as far back as possible, and we don't want her to move. We need to put pillow behind her. But what can we do, kids? If they want to, you know, participate, why not? Lach eens even naar papa. Lach dan. Kusje. Ik hou van jou.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बन रहे हैं आलुओं वाले चावल, और जैसे मैंने बताया कि हम लोग किचन में कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया, तो आज अपनी दावत खुद ही हम लोग बना रहे हैं, मिनी दावत। तो वैसे तो गेस्ट आए तो चिकन डलती है, गोश्त डलता है, बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है, लेकिन मेरा दिल आलुओं के चावलों पर है क्योंकि चिकन बन रही है। कबाब्स बनेंगे, आलू वाला चावल, रायता, सलाद, इंशाल्लाह ये सब चीज़ें होंगी। तो फिर अभी मैं बना रही हूँ चावल इंशाल्लाह, और मेरा बेटा अहमद हेल्प करेगा मेरा। क्यों अहमद जी? Yeah, I'm gonna help mom with all of it, cause I love my mommy. Oh, thank you, बच्चे। अभी मैंने ऑयल डाला है, और ऑयल में अभी ये प्याज डाल रही हूँ, और वाइट राइस बनाऊंगी। जैसे वाइट नहीं होते ऐसे राइस बनाऊंगी, मुझे वाइट राइस खाने का दिल आज। तो ऑयल डालने के बाद अभी प्याज डाल दिया इसको, प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, नहीं तो चावल भी ब्राउन हो जाएंगे। अगर आप तो चाहते हैं कि आपके वाइट हो राइस, तो फिर प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 2 कप चावल है मेरे, सब कुछ तैयार करके रख दिया है। ये जाएगा गार्लिक जाएगा, हरी मिर्च आएगी, आलू भी काट के रख दिया मैंने, और इसमें एक टमाटर जाएगा, और गरम मसाला, और नमक, और जीरा, दैट्स इट। व्हाट डस दैट डू? अब इसमें डाल दूंगी मैं हरी मिर्च, एक डाल दें, 2 डाल दें, फिर 2 डाल दी, और इसके साथ ये जाएगा गार्लिक चॉप, ये तकरीबन 3 गार्लिक क्लॉव्स हैं जो भी मैंने डाले हैं। चूल्हे से करूंगी थोड़ा हल्का, अभी टमाटर डालने के बाद इसमें डालूंगी नमक और गरम मसाला, क्योंकि इसमें चावल जाएंगे तो सॉल्ट एक दफा ही डाल दें, और इसके साथ जाएगा कोरिएंडर पाउडर, वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है। कोरिएंडर अच्छा हो तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। गार्लिक और कोरिएंडर 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इसे चावलों का टेस्ट अच्छा हो जाता है। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला, गरम मसाला आप फुल 1 टेबल स्पून आप डाल दें। मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ जब भी किचन में काम करें तो साथ साथ चीज़ें सोटी चले, तो ये जो होता है कि इससे जो होता है कि आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, फिर बाद में जब आप फिनिश करते हैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो मेरी ये आदत है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को साथ साथ आपके शेयर भी करूँ। अब इसमें जा रहे हैं आलू, तो अगर साथ साथ सफाई होती रहे किचन में साथ साथ तो इजी हो जाता है।
आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं तसल्ली के साथ। यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो रही है सारी चीज़ों की, सैलेड की और जो रायता मैंने बनाना है उसकी। तो रायता प्याज काट चुकी हूँ ऑलरेडी, अभी टमाटर काट रही हूँ और क्यूकम्बर काट रही हूँ, तो आलू भी ऑलरेडी मैंने काट के रखती हैं और मैं इनका साथ ही सैलेड की एक प्लेट बना दूँ। सैलेड भी जो है तो वो ऑलमोस्ट डन है, अब इसके बाद चावल शुरू होते हैं इंशाल्लाह। सॉरी मैं थोड़ी लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो मैं अब इसको कर दूंगी कवर। पांच मिनट के बाद इसमें डालूंगी पानी चावलों को डालने से पहले, ताकि ये आलू भी गल जाएं और चावल भी साथ तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो मैंने ये सैलेड काटा है ये देखें, और इसमें जाएगा, ये सैलेड नहीं है एक्चुअली, ये है रायता, रायता बनेगा, हरी मिर्चें सब, प्याज टमाटर सब कुछ मैंने इसमें ऑलरेडी डाल के रख दिया, उसमें कुछ भी नहीं हो डालना। और अब इसमें आलू जाएंगे और साथ इसके लगेगा योगर्ट। अहमद जी चावल टूट जाएंगे बेटा जी। ये देखिए योगर्ट ब्लेंड हो गया, अब ये योगर्ट चला जाएगा इसमें। वैसे हाथ यूज करने पड़ेंगे और ये योगर्ट हो गया सर अंदर। अब इसमें जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा इसमें। सॉल्ट डाल दिया अभी इसमें मैंने, और इसको बस करूँगी मैं। हरी मिर्चें ऑलरेडी डली हुई है इसमें और कुछ नहीं डालना। अब ये देखिए हरी मिर्चें, ये ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका हरी मिर्चों। ये सादा, इसको कहते हैं सादा रायता। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं और डाल रही हूँ, ये देखें ये हरी मिर्चें, ये मैंने पहले से कुछ काटी हुई थी कबाब्स के लिए, तो ये थोड़ी सी और डाल दी इसमें। ये बहुत मजे का रहता है, ये भी बनता है, ये हरी मिर्चें इसमें डालती हैं। और इसको अभी मैं रख देती हूँ ढक के, लेकिन ढकने से पहले करूँगी टेस्ट कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्पून धोई है, एक मुँह में डाली है और धो के, तो अब दोबारा एक और चम्मच ले रही हूँ। इतना मज़े का बना है कि मैं बता नहीं सकती। सुपर, हरी मिर्चों का रायता सुपर सुपर। जब भी दोबारा चम्मच मारे तो मेक श्योर वॉश करके मारे, क्योंकि जो हम घर मारते हैं वही चम्मच मार देती मैं अंदर, उसके अंदर रायते में। तो आप एक घंटे के बाद देखिए, देखते कि इसमें पानी जो होता है ना वो अलग होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जब भी मारे तो धो के मारे दोबारा, कभी भी वो वही चम्मच ना मारे ऐसे ही हांडी में, क्योंकि आप देखें तो वो खराब हो जाती है जल्दी।
अभी ये मैं तीसरी दफा ले रही हूँ ये चम्मच, और तीसरी दफा धोई है मैंने। आई गेस मैं खड़े खड़े सारे खा जाऊंगे तो सब बेहतर है। तो अभी मैं आती हूँ वापस चावलों की तरफ। रायता तैयार हो चुका है, सैलेड मेरा तैयार हो चुका है और चावल बनने हैं अभी इंशाल्लाह, और इसके बाद बनेंगे कबाब। चिकन ऑलरेडी स्लो कुकर में पड़ी हुई है तो टाइम लगेगा। आलू के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि वो गलते रहें। ये देखें अब इसमें डालूंगी पानी ताकि चावल उसमें गल जाए इंशाल्लाह। अब इसका मैंने करना है नमक चेक कि नमक इसका कैसा है। अगर नमक कम है तो नमक पाउडर डालूंगी मैं इसमें। नमक कम है, नमक थोड़ा सा और डालना पड़ेगा। इसमें जाएंगे चावल। अब डालने लगी इसमें चावल। बिस्मिल्लाह यहाँ पर नमक दोबारा चेक कर लें, नमक माशाल्लाह भी परफेक्ट है। जैसे ये पानी ड्राई होगा तो मैं इसको दम पे लगा दूंगी। चावल मेरे इंशाल्लाह तैयार। अभी मैंने ये कवर कर दिए हैं राइस, और जैसे थोड़ा पानी ड्राई होता है तो मैं इसको फिर हल्की आंच पे लगा दूंगी इंशाल्लाह। फिर हम बनाएंगे कबाब। अस्सलामु अलैकुम, हाउ यू ऑल। टुडे आई एम गोना हेल्प माय मॉम। वेल, I've already basically helped my mum with everything. We've made the raita, we've made the salad, we've made the chicken and the rice already. And now we're going to move on to the kebabs. Inshallah. And yeah, then we're gonna make the kebab burgers and we're all good to go. Oh yeah, well, yeah. Banana ke liye. That's it. Jaldi jaldi kaam karna chahiye, quickly. जी अभी चावल मैंने माशाल्लाह रख दिए हैं हल्की आंच पर। अब जा रहा है इसमें अहमद जी। यस प्लीज। ओके डू इट ओह नाउ इट्स स्मूथ। और अब यू वॉश योर हैंड्स। वॉशिंग हैंड्स यस। और अब इसमें कीमे में जा रही है, देखें हरी मिर्चें कुटी हुई है ऑलमोस्ट, ऐसे ही चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड अनियंस, ये सारा इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी मिक्स। वी विल मिक्स इंशाल्लाह।
अब इसमें आ जाएगा एक अंडा, ये देखिए एक अंडा जा रहा है। और अब इसमें जाएगा सॉल्ट, अब इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, एंड रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर आप टेस्ट के मुताबिक डालें, और लेकिन कबाबों के थोड़ी सी तेज़ हों तो अच्छी लगती हैं, तो अच्छा लगता है। और अब इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, तकरीबन मैं 1.5 टेबलस्पून डालूंगी इसमें कोरिएंडर पाउडर चला गया। और अब इसमें जाएगा गरम मसाला, ये गरम मसाला घर का बना हुआ है और ये इसमें जाएगा। और अभी मैं अपने हाथ यूज करती हूँ इसके लिए, ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा गरम मसाला हो जाए तो फिर कबाबों का जायका ख़त्म हो जाता है, मैं बहुत कम डालती हूँ गरम मसाला। और अब इसमें जाएगा लेमन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन डाल दें। बच्चों को भी थोड़ा सा हमने आदत डालनी है कि ताकि बच्चों को भी पता हो कि चीज कैसे बनाते हैं और कैसे यूज कर। इसको एक हाथ से पकड़ो बेबी, एक हाथ से पकड़ो बेबी, वेरी गुड वेरी गुड। और आज हरा धनिया नहीं मिला, नहीं तो इसमें हरा धनिया जाना था। बिस्मिल्लाह, वेरी गुड। माशाल्लाह से चावल देखें हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत खड़े खड़े बने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बने हैं। आप सोचें कि अब रायते के साथ ये चावल कितने अच्छे लगेंगे। चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं, तो अभी बस बनाना शुरू करते हैं हम कबाब्स। चावल तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसका काम ख़त्म और कबाबों का शुरू इंशाल्लाह। नहीं पता कैमरा ऑन है, कोई बात नहीं, लोगों को पता चलने दे थोड़ा, मेरी सारी सिस्टर्स को कि मैं कितना अकेले काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड बैठे रहते हैं। Someone doesn't know the camera was on. Just start making burger now. No meats and butts. No, no, I'm just. Oh, kebabs. Yes. What kind of kebabs? What kind of cheese, guy? Remember the thing, no? Huh? What were you saying? Not here. What were you saying? Wait, yeah. They're washed. Yes. Now start making it. Ahmed बन के ऊपर लगा रहा है वो।
मैं नमाज पढ़ के आ जाती हूँ, इसका नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है बाप। ये ठीक है, ये भी ये ठीक है, ये ठीक है बाप। जल्दी जल्दी काम करना बाप। Could you put this in the thing? साफ किया था कभी थिंग बाप? Could you put this in the fridge? नहीं, रूल साफ की थी कल। नो, तुम ने लिखी? नो। तो वापस उसी मोटे में आने वापस। That's fine, that's fine. बंद कर दो कपड़े। वेरी गुड। यू कैन स्मेल द हॉट वाटर। या, क्लीन द रिजर्व। दिस इज ऑल द फैट कमिंग आउट फ्रॉम द मिंट। दिस इज अ हेल्दी ऑप्शन। एक दफा खोल के बता देता हूँ। अगे एक मॉर्निंग जूस में क्या? आई नो। ये बम। वी डोंट नीड टू सेल। डॉक्टर बाय। आप डू मी फेवर, जस्ट ओपन द डोर। जी, कबाब्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं और ये देखें, ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। और ये मैं बताऊं, ये स्लो कुकर में 2.5 से 3 घंटे वाकई बनते हैं, जो उस्मान ने बताए थे इतने ही लगते हैं। तो ये भी रेडी हो चुका है, अभी ये भी एज इट इज़ मैं रखती हूँ वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। Alhamdulillah, that looks nice. I can see it from here. Yeah, mashallah. Not talking. Remember. Thanks. Line office. Line office. Small line. ठीक है मुझे। जितने मैंने खाने थे निकाल लिए मैंने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मिनी दावत कंप्लीट हो चुकी है और बच्चे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, उस्मान भी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, राइस, ये आलू वाले चावल हैं, बर्गर्स हैं, माशाल्लाह चिकन और आलू हैं। और ये मामा दादा, मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है, उस्मान इंतज़ार कर रहे हैं। और खाना हमारा तैयार है, सैलेड है, रायता हो तो इतना मज़े का बना है ना उस्मान जी, मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी चीज़ें तो बाद में इंशाल्लाह ट्राई करके बताऊँगी। ये कबाब्स हैं तो माशाल्लाह देख लें। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक। कभी कभी इंसान को अपनी दावत ख़ुद बनानी चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर। यस, अहमद ने मेरी बहुत हेल्प की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बाद किचन का बताऊँगी, सारी सफाई का।
तो इंशाल्लाह वो भी सारे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी न्यू बिगिनर्स को पता होना चाहिए कि जब साथ ही कुकिंग करनी है साथ ही सफाई भी करनी है। मेरी ऑलमोस्ट सफाई है जैसे मैं साथ साथ आपको बताती रही हूँ, लेकिन बाकी इंशाल्लाह सफाई होगी ब्रेक के बाद, खाना खाने के बाद इंशाल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें मेरी प्लेट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अभी हमारी है बारी स्वीट डिश खाने की, तो ये रसमलाई लेके आ गई थी मैं एजडा से, मैंने कहा मीठी चीज़ होनी चाहिए, तो दावत मिनी दावत फॉर माय ओन फैमिली, तो मीठी चीज़ तो मस्ट है। तो ये भी रसमलाई खाएंगे अभी, थकावट हुई है यकीन करें बहुत सख्त, तो फिर इंशाल्लाह बाकी सफाई आप सारी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के सारे फारिग हुए हैं और अभी के होने लगी है क्लीनिंग, तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें इतना खाना खाने का मजा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मैं बहुत थोड़ा खाया, मैंने जो प्लेट में डाला था वो 75% मेरी प्लेट वैसी की वैसी पड़ी हुई है, क्योंकि बना बना के मैं थकी हुई हूँ। तो अभी खैर ये क्लीनिंग होने लगी है, इसको थोड़ा सा मैंने दोबारा ऑन किया ताकि मैं इसको क्लीन कर सकूँ, इसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है। उस्मान ने मुझे पानी, बच्चों को बोले मुझे दे दे पानी, इसको क्लीन करूँ, क्योंकि क्लीनिंग साथ ही हो जाए तो अच्छी होती है, बाद में बड़ा मसला बन जाता है। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह देखें सारी क्लीनिंग हो गई है किचन की, और मामा दादम ने ये सारा फ्लोर साफ़ किया, अभी उस्मान ने थोड़ी सी हेल्प करवा दी है बस कुकर की, और चले गए ऊपर क्योंकि वो बिल्कुल ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। तो अब लास्ट में बारी आई है हमारे कहवे की, अभी कहवा पीऊँगी मैं, यकीन करें थकावट बहुत हो चुकी है मुझे, अभी बिल्कुल ताकत नहीं है। मामा दादम जी मेरे लिए बनाना है ये सना मक्खी का कावा, ये जस्ट डाल दो हाफ टी स्पून, ठीक है, या टी स्पून बेबी। तो अभी इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
तो माशाल्लाह देखें ये किचन बिल्कुल मेरा क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी जी बेटा और सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहवा पीऊँगी तो सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है अभी इसी के साथ जाना चाहूँगी। दो में अपने मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।